क्लाउड माइनिंग के बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे होंगे और उन वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि आप क्लाउड माइनिंग से डेली $5-$10 इजीली कमा सकते हैं लेकिन इतना नहीं कमा सकते हैं। क्या एक्चुअल अर्निंग है क्लाउड माइनिंग को लेके और क्या रियल प्रोसेस है क्लाउड माइनिंग को लेकर, सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। अगर आप क्लाउड माइनिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को देख लोगे ना तो इसके बाद कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि क्लाउड माइनिंग होती क्या है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्लाउड माइनिंग ये होती है, अगर कोई बंदा क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग करना चाहता है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसके लिए क्लाउड माइनिंग बेस्ट कॉन्सेप्ट है। रिसोर्सेज बोले तो यहाँ पे जो कंप्यूटर हो गया, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, माइनिंग मशीन्स है, जो भी है इनके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और कोई अगर ये करना नहीं चाहता है क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करने पड़ते हैं। 2400 घंटों में जब मशीन लेंगी तो उनमें कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और उसका बिल भी पे करना पड़ता है। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहता है कोई, यहाँ पे झमेलों में नहीं पड़ना चाहता है और माइनिंग करके अर्निंग करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्लाउड माइनिंग। क्लाउड माइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये रिसोर्सेज होने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे आप यहाँ पे जो हैश रेट बाय करके और उससे डेली अर्निंग कर सकते हैं। इंटरनेट में ना बहुत सारे ऐसे क्लाउड माइनिंग के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारा रिवार्ड देने की बात करते हैं कि आप डेली $50-$100 कमा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फालतू के जो ये प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मत जाया करिए। वो आपसे इन्वेस्टमेंट तो करा लेंगे लेकिन आपको कोई रिवार्ड नहीं देंगे, या हो सकता है दिखाएंगे लेकिन विड्रॉ करते टाइम देंगे नहीं। तो आप जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है वहीं पे जाना चाहिए। जेन्युइन प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे बाइनेंस है जो मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, रिसेंट में इन्होंने क्लाउड माइनिंग लॉन्च करी है। तो उस पर बात करते हैं डिटेल में कि कैसे क्लाउड माइनिंग करते हैं उस पर और कितना कमाया जा सकता है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बाइनेंस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइनेंस का एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उसको अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसे प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे जाओ ऐसे करो वो करो, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप जो क्लाउड माइनिंग के सेक्शन पे चले जाएंगे। क्लाउड माइनिंग के सेक्शन पे जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपके सामने यहाँ पे प्री सेल के प्लान देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी करंट में BTC का प्री सेल चल रहा है और पहले यहाँ पे और भी चल रहे थे, तो ये पूरे फिल हो जाते हैं तो हट जाते हैं और नए नए आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लान है ना, इनकी जो प्राइसेस भी है ना वो भी डिफरेंट हो सकती है। इसकी प्राइसेस अभी $5.85 के अराउंड चल रही है और कोई पहले प्लान चल रहे थे उनमें से कोई $14 था और अभी और नए प्लान भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो इन प्लान की रेट है और स्टार्टिंग टाइम और यहाँ पे ड्यूरेशन अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पे अपन इस प्लान का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि ये कैसे तरीके से वर्क करता है, कितना आपको मिल सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे इस सेक्शन पे आओ तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑप्शन हो आपके पास उनमें आप ड्यूरेशन और ये प्राइस है वो भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे ये इंटरफेस आए आपके सामने तो यहाँ पे एक हैश रेट का कॉलम होता है। हैश रेट आपको बाय करनी पड़ती है। हैश रेट ऐसे होती है जितनी ज्यादा हैश रेट होती है उतनी ज्यादा रिवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे हैश रेट बाय करना पड़ेगा। यहाँ देखो 1, 5, 10, 100 कस्टम भी है, आप जितना हैश रेट बाय करना चाहते हैं उतना देख सकते हैं। और ये जो TS लिखा हुआ ना उसका मतलब होता है टोटल हैश रेट। यहाँ पे एक हैश रेट बाय करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना आपको पे करना पड़ेगा। जैसे $5.85 है, 5 करूंगा तो 5 के हिसाब से मेरे को डॉलर दिखाएगा और उतने पे करने पड़ेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे ड्यूरेशन है ना अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन यहाँ 90 डेज की है, अगर यहाँ पे 180 डेज की हो तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है ना वो अलग अलग होगी, ज्यादा होगी 180 डेज में, और अगर उससे ज्यादा का प्लान आ जाता है ना तो उसमें और भी ज्यादा होगी। आपको इतना तो पता होगा ना, जितना ज्यादा लंबा टाइम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी रेट में कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा ये हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हैश रेट बाय कर लेना और नीचे आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। और एक चीज मैं पहले बता दूं, जैसे अभी प्री सेल चल रही है तो उसमें यहाँ पे जो टाइम स्टार्टिंग होगा वहीं से आपका यहाँ पे जो ऑर्डर लगेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर लगाया था एक हैश रेट का, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। माई ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो ये प्रिपेयरिंग पे है, यहाँ लगा नहीं है, ठीक है। जैसे ये टाइम होगा ये अपने आप लग जाएगा, उस दिन से मेरे को यहाँ पे रिवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला जो ये प्री सेल चल रही है वो 17 मई को स्टार्ट होगी, उस दिन से मेरे को रिवार्ड मिलना स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ इतना ज्यादा आपको रिवार्ड नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं एक एस्टिमेट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कितना आपको यहाँ रिवार्ड्स मिल सकते हैं माइनिंग करके। देखो अगर आप यहाँ पे $100 लगाएंगे ना, $100 के अकॉर्डिंग हैश रेट बाय कर लोगे तो उसका एस्टिमेट आपको डेली 50 सेंट के अराउंड मिल सकता है। और यहाँ एक चीज का ये भी ध्यान में रखना, बिटकॉइन का यहाँ पे माइनिंग हो रही है और बिटकॉइन की रेट का भी इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो आपको डेली रिवार्ड मिलेंगे
उनमें भी फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा और डेली रिवार्ड आपको मिलेंगे फंडिंग वॉलेट में। तो यहाँ पे आप एक डाटा ले लो कि यहाँ पे $100 लगाओगे तो डेली आपको 50 सेंट के लमसम मिल सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। आपको वर्थ इट लगे तो लगा सकते हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको जो इंटरनेट पे बताया जा रहा है कि आप डेली इस पे $5 $10 कमा सकते हैं, तो वो उसके लिए आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो $100 है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान में रख लेना। और मैं यहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बता दिया हूँ कि कैसे क्या करना होता है और कितना आपको एस्टिमेट यहाँ पे रिवार्ड मिल सकता है। जैसे जैसे ओवर द टाइम बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ती जाएगी ना, तो आपके रिवार्ड भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्लाउड माइनिंग को लेकर इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।